हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज आपके लेके आए हैं सॉल्ट्स, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर का एक टॉपिक हमारा बाकी है, सॉल्ट। आज हम पढ़ेंगे सॉल्ट। बच्चों क्या आप जानते हैं सॉल्ट्स हैव एक्सटेंसिव रोल इन आवर डेली लाइफ। बच्चों सॉल्ट का हमें डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है, हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ सॉल्ट के बारे में। क्या होता है सॉल्ट? Salt is an ionic compound which is formed by neutralization reaction between acid and base. बच्चों salt जो होते हैं वो ionic compound होते हैं जो acid और base की reaction से बनते हैं। आइए यहाँ पे reaction example दिया हुआ है, example लेते हैं। HCl acid is reacting with NaOH base to give NaCl salt and water, and you know this reaction is known as neutralization। बच्चों ऐसी reaction जिसमें acid base के साथ reaction करके salt और water बनाता है वो reaction कहलाती है neutralization। क्या आपको क्लियर हुआ? फिर से बोलता हूं, सॉल्ट इज आयनिक कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वेयर एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। HCl एसिड NaOH बेस के साथ रिएक्शन करता है, NaCl सॉल्ट और वाटर बनाता है और ये रिएक्शन कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर? चलिए सर अब नेक्स्ट लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट्स। बच्चों ये यहां पर कुछ फीचर्स हैं, ये हमको जानना जरूरी है सॉल्ट के बारे में। तो वन बाय वन करके शुरू करते हैं। पहला लेते हैं, सॉल्ट्स मे बी ट्रांसपेरेंट, ओपेक, कलर्ड और कलरलेस। बच्चों ये जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस होती है वो कैसा दिखाई पड़ता है ये वहां से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सॉल्ट जो है वो ट्रांसपेरेंट हो सकता है, आप उसके आर पार देख सकते हैं, वो ओपेक हो सकता है, हो सकता है कि उसके आपको दूसरी तरफ दिखाई ना पड़े, वो कलरफुल हो सकता है। आप जहां पढ़ के आए ब्लू विट्रियोल, कॉपर सल्फेट हम लोग डिस्कस किए थे, CuSO4 × 5H2O, सर वो कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है, कलरलेस, और ये कलरलेस भी हो सकते हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पॉइंट सेकंड लेते हैं, जनरली दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर एंड वाटर सोलेबल। जो सॉल्ट होते हैं जनरली वो क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं और वाटर में इजिली घुल जाते हैं। सर लास्ट टाइम आपको बताया था क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको बोलते हैं? ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डेफिनेट होता है, रेगुलर होता है, वो कहलाते हैं क्रिस्टलाइन। सॉल्ट्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर एंड दे आर इजिली सोलेबल इन वाटर। बच्चों जब सॉल्ट को वाटर में डिसोल्व करेंगे तो वो आयन में डिसोसिएट हो जाता है। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, दे शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन देयर मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन स्टेट। अभी किसी आयनिक कंपाउंड मीन सॉल्ट को आप वाटर में डिसोल्व करोगे तो ये डिसोल्व होने के बाद आपको देगा Na+ और Cl-। यहां पे देखिए ये Na+ और ये Cl-। कहां पर है सर? सॉल्यूशन स्टेट में। आपने NaCl सॉल्ट लिया, सॉलिड है, वाटर में डिसोल्व किया, बिकॉज दे आर सोलेबल इन वाटर, पानी में घुल के क्या कोर्स करेंगे? Na+ और Cl- में डिसोसिएट हो जाएंगे और जो यहां पर Na+ और Cl- आयन प्रोड्यूस हुए दे विल कोज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पास करने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, या तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन हो या फिर उसके अंदर आयन्स हो। ये चौक स्टिक है, कैसी नेचर होगी? कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। आंसर आप जानते हैं, बिल्कुल सही बोले आप, दिस विल बी इंसुलेटर, क्योंकि इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है सर? क्योंकि ना तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है और ना ही इसके अंदर आयन्स हैं। क्लियर हुआ? जो हमारे सॉल्ट होते हैं उनके मोल्टन स्टेट में और एक्वस सॉल्यूशन स्टेट में आयन्स होते हैं, दैट्स व्हाई दे कॉज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, उनमें करंट पास हो जाता है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, दे मे बी सॉल्टी, सोर, स्वीट और बिटर इन टेस्ट। बच्चों टेस्ट वाइज अगर बात करें तो सॉल्ट जो है वो नमकीन हो सकता है, खट्टा हो सकता है, मीठा हो सकता है या फिर कड़वा भी हो सकता है। आप जानते हैं NaCl हम लोग यूज करते हैं तो आप ही बताइए NaCl कैसा होता है? बिल्कुल सही सर, सॉल्टी होता है, सब लोग जानते हैं। क्लियर? नेक्स्ट लेते हैं सर, न्यूट्रल सॉल्ट्स आर ऑर्डरलेस।
बच्चों ये हमारा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है इसलिए यहाँ पे प्रॉपर्टी करा रहे हैं, फीचर करा रहे हैं, ये सॉल्ट्स के टाइप में आपको बताऊंगा तब बात करेंगे न्यूट्रल के बारे में। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि न्यूट्रल सॉल्ट जो होते हैं ऑडरलेस, उसमें स्मेल नहीं आती है। जब आप लेबोरेटरी में जाएंगे और आप प्रैक्टिकल करेंगे अपने मैडम और सर के साथ, तो आप वहां पे ऑब्जर्व कीजिएगा सॉल्ट के कलर, उसका टेस्ट और उसकी अपीयरेंस की वो कैसा दिखाई देता है, क्रिस्टलाइन है कि नहीं है। और हाँ सर, और खास बात कि उसमें कोई स्मेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं, जैसे कि हमारा NaCl है, NaCl न्यूट्रल सॉल्ट होता है, क्या उसमें कोई स्मेल आती है? आज ही देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कोई स्मेल आई या नहीं आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स। बच्चों ये पॉइंट समझने वाली बात है कि जो भी हमारा सॉल्ट होता है उसके अंदर दो रेडिकल होते हैं, एक रेडिकल को बोलते हैं एसिडिक रेडिकल और दूसरे को बोलते हैं बेसिक रेडिकल। तो आइए डिस्कस करते हैं। मैंने लिया सॉल्ट NaCl, ऊपर एग्जांपल लिया था, तो बच्चों मैं यहां पे लिखता हूं NaCl। क्लियर हुआ आपसे सवाल, NaCl कैसे बना? सर बाय मींस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। HCl एसिड जो है वो हमारा जाता है NaOH बेस के साथ और देता है सॉल्ट। सर NaCl को ऑब्जर्व करेंगे तो मालूम पड़ेगा NaCl के अंदर दो पार्ट है, Na प्लस आप जानते हैं और Cl माइनस। Na प्लस ये हमको मिला है बेस से, तो ये कहलाएगा बेसिक रेडिकल। क्लियर हुआ, दिस इज बेसिक रेडिकल। और बच्चों ये वाला Cl हमको एसिड से मिला है इसलिए इसको बोलते हैं एसिडिक रेडिकल। क्या आपको क्लियर हुआ? तो ध्यान रखिएगा वो फ्रेगमेंट या वो पार्ट जो आपको एसिड से मिलता है वो एसिडिक रेडिकल कहलाता है, और जो फ्रेगमेंट या जो आयन आपको बेस से मिलता है वो बेसिक रेडिकल कहलाता है। सर ऑब्वियस है, एसिड और बेस की रिएक्शन से बना है, तो एक फ्रेगमेंट एक आयन कहां से आएगा? एसिड से आएगा और दूसरा बेस से आएगा। तो जो रेडिकल आपको जो आयन बेस से मिला हो बेसिक रेडिकल, जो एसिड से मिला हो एसिडिक रेडिकल, दोनों कंबाइन हुए बन गया आपका सॉल्ट। बच्चों क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे तीन कॉलम मेंटेन किए हुए, पहला कॉलम जो है न्यूट्रल सॉल्ट का है, दूसरा एसिडिक सॉल्ट का और तीसरा बेसिक सॉल्ट का है। पहले कॉलम में लेते हैं न्यूट्रल सॉल्ट, दे आर ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। आप जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, हमने एसिड एंड बेसिस के जो पहला पार्ट था उसमें डिस्कस किया था। तो बच्चों ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन से बनता है वो कहलाता है न्यूट्रल सॉल्ट। एग्जाम्पल से प्रूव करते हैं, तो हमने यहाँ पे HCl और NaOH का रिएक्शन कराया है, आप देख रहे हैं NaCl और वाटर बना है। आप जानते हैं HCl कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग, NaOH कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और सॉल्ट क्या बना है, NaCl। तो बच्चों यहां पर जो NaCl सॉल्ट बना है ये सॉल्ट कैसा होगा? दिस विल बी न्यूट्रल। कैसा होगा बच्चों? ये सॉल्ट न्यूट्रल होगा, और यही हम लोग खाने पीने की चीजों में यूज करते हैं, ये आप जानते हैं। अभी मैंने अभी आपसे पहले पूछा था कि NaCl में कैसे स्मेल आती है, NaCl न्यूट्रल सॉल्ट होता है इसलिए इसमें कोई भी स्मेल कोई भी ऑर्डर नहीं आती है, ऑर्डरलेस होता है। याद रखिएगा न्यूट्रल सॉल्ट्स आर ऑर्डरलेस, और न्यूट्रल सॉल्ट बनते हैं हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन से। अब बात करते हैं सर पीएच, ये बड़ा काम का पॉइंट है। pH value of these salt solution is equal to 7. अगर आप NaCl को वाटर में घोलते हैं तो आप जानते हैं कि जो आपका NaCl solution होगा उसकी pH कैसी रहेगी? 7 रहेगी, because it is neutral in nature. नाम से ही चल रहा है पता। बात करते हैं acidic salt. Sir, they are formed by the reaction between strong acid and weak base. सर यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा हुआ है, एग्जांपल के लिए प्रैक्टिस करते हैं। HCl अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बनता है अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट और वाटर। बच्चों ये हमारा बन गया सॉल्ट। अब सवाल ये है कि सॉल्ट कैसा है, तो सर आप देख पा रहे हैं HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड का टाइप है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NaH4OH वीक बेस का एग्जांपल है। जब भी कभी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो बनने वाला सॉल्ट हमेशा कैसा होगा? दिस विल बी एसिडिक इन नेचर। बच्चों ये एसिडिक है, अगर ये एसिडिक सॉल्ट है तो वाटर में डिसॉल्व होने पर जो सॉल्यूशन बनेगा सॉल्ट सॉल्यूशन दैट विल बी एसिडिक इन नेचर, और पीएच क्या होगी? लेस देन 7, ये आप जानते हैं।
तो आइए पीएच वैल्यू ऑफ दीज सॉल्ट सॉल्यूशन इज फाउंड लेस देन 7। अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे क्योंकि ये सॉल्ट कैसा है, एसिडिक सॉल्ट है, तो जो अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट का सॉल्यूशन बनेगा दैट सॉल्यूशन विल बी एसिडिक इन नेचर और उसकी पीएच लेस देन 7 होगी। अब बात करते हैं बेसिक सॉल्ट की बच्चों, दे आर फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। आइए एग्जांपल लेते हैं, CH3COH plus NaOH is equal to CH3CONa plus water। बच्चों ये एसिटिक एसिड होता है, ये वीक एसिड का एग्जांपल है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल है। आप देख रहे हैं वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहा है, सॉल्ट कौन सा बन रहा है, CH3CONa। तो ये जो सॉल्ट बना है बच्चों, दिस विल बी बेसिक इन नेचर। तो ध्यान रखिएगा, जब भी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन होगी तो बनने वाला सॉल्ट बेसिक होगा। ये बेसिक क्यों कहलाता है, क्योंकि जब इस सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाते हैं, इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो बनने वाले सॉल्यूशन की जो पीएच वैल्यू होती है इट इज मोर देन 7। क्लियर है? आप जानते हैं जिस सॉल्यूशन की पीएच 7 से ऊपर होती है वो है बेसिक या अल्केलाइन कहलाता है, जिसकी 7 होती है वो न्यूट्रल कहलाता है, और जिसकी लेस देन 7 होती है वो एसिडिक कहलाता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द सॉल्ट्स एंड टाइप ऑफ सॉल्ट्स। क्या ये आपको क्लियर है बच्चों? पॉज कीजिए और नोट कीजिए, और कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब नो टेंशन, क्योंकि आ गया है केमिस्ट्री जंक्शन।